गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, दिस इज़ अरुणा बड़गोतिया, योर बायोलॉजी टीचर। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमन बींग्स। इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो सेंड कर दी है, पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन नहीं किया था, तो आज मैं आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से स्टार्ट करती हूँ। तो इसके पहले जो हमने प्रोसेस पढ़ी थी उसका नाम था फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है, थोड़ा सा यहीं से मैं बता देती हूँ आपको कि जो स्पर्म और ओवम होते हैं उसके न्यूक्लियस का फ्यूज़न होता है। तो ये डे फर्स्ट की बात कर रहे हैं हम। फर्स्ट डे क्या होता है, फ्यूज़न होता है, और फ्यूज़न के कारण फिर क्या होता है कि जब इनका फ्यूज़न होता है, स्पर्म और ओवम का न्यूक्लियस का फ्यूज़न होता है, तो जो फर्स्ट सेल फॉर्म होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है जाइगोट। तो ये जो जाइगोट होता है, इस जाइगोट में सेल का डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है फर्स्ट डे में, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के मतलब 1 घंटे बाद ही डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है। और जब डिवीज़न स्टार्ट होता है तो सेल जो होती है वो डिवाइड होने लगती है, और सेल डिवीज़न से क्या बन जाता है, एम्ब्रियो फॉर्म हो जाता है। तो ये इतनी ईजी प्रोसेस नहीं होती है, ये स्टेप बाय स्टेप होने वाली प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस को मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। हम फर्स्ट डे की बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट डे वाला जो डायग्राम है, डे फर्स्ट जिसमें फर्टिलाइजेशन हुआ है, जिसमें पोलर बॉडी आपको दिख रही है और मेल फीमेल प्रो न्यूक्लियाई दिख रहे हैं। तो मेल फीमेल प्रो न्यूक्लियाई किसके हैं, ये स्पर्म और ओवम के प्रो न्यूक्लियाई होते हैं जिनका फ्यूज़न होता है, और जो फर्स्ट सेल फॉर्म होती है उसको बोलते हैं हम जाइगोट। अब क्या होता है, नेक्स्ट डे जैसे ही जाइगोट फॉर्म होता है, जाइगोट में डिवीज़न स्टार्ट होता है, और सेकेंड डे वाले दिन क्या होगा, जो सेल बनती है फर्स्ट सेल जिसको हम जाइगोट बोल रहे हैं उसमें डिवीज़न स्टार्ट होता है, और बहुत सारी सेल्स फॉर्म हो जाती हैं। इन सेल्स को बोला जाता है ब्लास्टोमियर्स, और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब होता है सेल्स में जो सिमिलर डिवीजन्स जो होते हैं, या एक तरह से देखा जाए इक्वल डिविजन्स सेल में जो होते हैं उसको हम क्लीवेज बोलते हैं, और जो सेल फॉर्म होती है उसको ब्लास्टोमियर बोलते हैं। आफ्टर 24 आवर्स के बाद फिर से सेल्स में क्या होते हैं, कुछ चेंजेस आते हैं, और वो क्या चेंज आते हैं, आप ऊपर देख रहे होंगे डे थर्ड में क्या होता है, जो सेल्स होती हैं उनमें कॉम्पेक्शन होता है। कॉम्पेक्शन का मतलब होता है कि सेल्स जो होती है आपस में अटैच हो जाती है, तो क्या बन जाता है, टाइट सेल जंक्शन बन जाता है। जंक्शन का मतलब क्या होता है, एक चेन फॉर्म हो जाती है, एक अटैचमेंट फॉर्म हो जाता है, जिससे जो ब्लास्टोमियर की जो सेल्स होती हैं वो क्या हो जाती है, आपस में अटैच हो जाती है, इनका अटैचमेंट हो जाता है टाइटली, ये क्या हो जाती है, अटैच हो जाती है। देन आफ्टर फिर 24 आवर्स के बाद ये सेल्स में क्या होने लगता है, डिफरेंशिएशन होने लगता है। ये एक लॉन्ग प्रोसेस है जिसमें बहुत टाइम लगता है। अगर मान लीजिए कोई डिफेक्ट आ जाता है तो फिर क्या होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट एक तरह से रुक जाता है, इनहिबिट हो जाता है। पर ये जो प्रोसेस है ये एक लीनियर अरेंजमेंट में चलती है और स्टेप बाय स्टेप होती है। तो डे फोर में क्या होता है, सेल का डिफरेंशिएशन होता है, तो सेल जो होती है 2 पार्ट्स में अरेंज हो जाती है। इन सेल्स को क्या बोला जाता है, इन सेल्स को हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स। ये सेल्स जो होती हैं सेट में अरेंज हो जाती है, आउटर साइड पर बड़ी होती है और इनर साइड पर स्मॉल होती है, तो इन सेल्स को बोला जाता है ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स। फिर से इनमें डिवीज़न स्टार्ट होता है, और डिवीज़न स्टार्ट होने के बाद नेक्स्ट डे मतलब कि फिफ्थ डे क्या होता है, जो सेल्स होती है ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स वो आउटर साइड पर अरेंज हो जाती है, और मिडिल साइड पर न्यू सेल्स जनरेट होती है जिससे कि इनर सेल मास बन जाता है। तो जो ट्रोफोब्लास्ट की जो सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, एक लिक्विड रिलीज़ करती है। इस लिक्विड के कारण क्या होता है, बीच में एक कैविटी फॉर्म हो जाती है जिसमें वो लिक्विड भर जाता है जो कि ग्लाइकोजन से बना होता है, तो उस कैविटी को बोला जाता है ब्लास्टोसिल कैविटी, और इसको ब्लास्टुला स्टेज भी बोलते हैं, क्योंकि ब्लास्टोसिल कैविटी ब्लास्टोमियर की जो सेल्स होती हैं उसके कारण डेवलप होती हैं, तो इसको बोला जाता है ब्लास्टोसिल कैविटी। नेक्स्ट हम देखते हैं डे सिक्स। सिक्स्थ डे क्या होता है, सिक्स्थ डे, अब आपको ये चीज़ मैंने पहले भी बता दी थी, फिर भी मैं डायग्राम से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ
जो आउटर मीडियम में, चूंकि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, ओवम के अंदर होता है, और ओवम के आउटर साइड पर कौन सी वॉल होती है, जोना पेलोसिडा की और कोरोना रेडिएटा की, तो इन वॉल्स की क्या होने लगती है, हैचिंग। तो नीचे देख रहे होंगे आप लिखा है जोना हैचिंग। जोना हैचिंग का मतलब क्या है, जो जोना पेलुसिडा की लेयर होती है वो क्या होने लगती है, टूटकर अलग हो जाती है, और जो एम्ब्रियो है वो एम्ब्रियो साइज में थोड़ा बड़ा हो जाता है। देन फिर से सेल में डिफ्रेंसिएशन होते हैं। अब ये जो यहाँ पर डे 7 की हम बात कर रहे हैं, तो डे 7 में क्या होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन 7th डे इम्प्लांटेशन होता है। तो इम्प्लांटेशन की प्रोसेस में क्या होगा, जो एम्ब्रियो होगा तो एम्ब्रियो कहाँ इम्प्लांट हो जाता है, यूटेरस की वॉल में। क्यों? क्योंकि उसको क्या चाहिए होता है, उसको फूड मटेरियल्स चाहिए होते हैं, क्योंकि वो ग्रो कैसे करेगा अगर उसको ये चीज़ें नहीं अवेलेबल होगी, वाटर सप्लाई नहीं होगा। क्योंकि सेल्स क्या हो रही है, सेल्स जो हो रही हैं वो एक तरह से डिवाइड होती ही जा रही, कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस उसमें हो रही है, तो उसको वाटर चाहिए, ब्लड चाहिए और न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो वो सब कहाँ से अवेलेबल होते हैं, मदर के थ्रू ही अवेलेबल हो पाते हैं या ट्रांसमिट हो पाते हैं। तो ये जो ट्रांसमिशन है या जो ये ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो किसके थ्रू होता है, वो होता है मदर की यूटेराइन वॉल के थ्रू। तो यहाँ पर क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है, जो सेल का मास बनता है, वो कहाँ अटैच हो जाता है, वो अटैच हो जाता है जो मदर यूटेराइन वॉल होती है उससे। तो मदर के यूटेराइन वॉल से एम्ब्रियो का फिक्स होना या अटैच होना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन, और ये होता है 7th डे। देन आपको दिख रहा होगा कि ये जो मदर की यूटेराइन वॉल है, ये वाला जो पोर्शन है ये मदर की यूटेराइन वॉल है, और ये जो होता है ये एम्ब्रियो है। तो एम्ब्रियो कहाँ अटैच हो जाता है, मदर की यूटेराइन वॉल से। देन नेक्स्ट 9 डे, ये टोटल 72 48 आवर्स की ये रिएक्शन होती है, जिसमें कि एम्ब्रियो जो होता है उसकी सेल्स जो होती हैं वो बढ़ती जाती हैं, और बढ़ने के बाद सेल के मास बना लेती हैं, अलग अलग सेल के मास। पर इम्प्लांटेशन के जस्ट बाद क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है वो धीमे धीमे यूटेराइन के पहले ऊपर की साइड उससे जुड़ा होता है, पर धीमे धीमे फिर क्या होने लगता है, वो अंदर की तरफ उसमें एंट्री कर जाता है, जब तक कि वो कंप्लीट एम्ब्रियो में कन्वर्ट ना हो जाए। वो उसके अंदर यूटेराइन वॉल में एंट्री करता है, जिससे कि सेल मास फॉर्म होता है, जिससे कि डिफरेंशिएशन होता है। तो यहाँ पर सेल के डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है, ये मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। डिफरेंशिएशन का एक्चुअली मीनिंग यहाँ पर ये होता है कि सेल जो होती है आपस में एक दूसरे से साइज में, शेप में, स्ट्रक्चर में डिफरेंट होती है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स अरेंज हो जाती है, जिसको एपिब्लास्ट, आउटर साइड पर जो सेल होती है उसको एपिब्लास्ट बोलते हैं, इनर साइड पर जो सेल होती है उनको हाइपोब्लास्ट, और आउटर लेयर पर जो दिख रही है, जो कम्प्लीटली एम्ब्रियो को कवर करती है, उसको बोलते हैं ट्रोपोब्लास्ट। ये डे 9 की बात होती है। देन इसके बाद आफ्टर 72 आवर्स जो एपिब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट की जो सेल्स होती हैं वो अपने अंदर एक कैविटी फॉर्म करने लगती है, और क्या बना लेती है, डिस्क बना लेती है। डिस्क आपने देखी होगी जो राउंडेड शेप में होती है, तो डिस्क जैसी स्ट्रक्चर बना लेती है। तो दो अलग अलग शेप ये बनाती है, एक थोड़ी स्मॉल होती है और एक थोड़ी लार्ज होती है, और जो ट्रोपोब्लास्टिक लेयर है वो तो अलग ही होती है। तो यहाँ पर बाईलेमिनार डिस्क फॉर्म हो जाती है। बाईलेमिनार मतलब कि जो दो अलग अलग पोर्शन में, तो इनको बोलते हैं ब्लास्टोमियर डिस्क, क्योंकि ये किससे बनी थी, ये ब्लास्टोमियर की सेल से ही फॉर्म हुई थी, और ये डे 12 की बात होती है। तो यहाँ पर बाईलेमिनार डिस्क फॉर्म हो जाती है। ये कब होता है, जब सेल में और ज़्यादा डिवीज़न होता है। देन इसके बाद क्या होता है, जो ये बाईलेमिनार डिस्क बनी थी, इन बाइलेमिनार डिस्क के को बोला जाता है, जो ऊपर की ओर होती है उसको बोलते हैं एक्टोडर्म, और जो लोअर साइड पर होती है उसको एंडोडर्म बोलते हैं, और मिडिल पोर्शन में एक और जो लेयर फॉर्म हो जाती है, जो एक्टोडर्म और मेसोडर्म की
सेल के डिफरेंशिएशन से ही होती है, जिसको मीजोडर्म बोलते हैं। और इसी के बीच में एक लाइन फॉर्म होती है जिसको प्रिमिटिव स्ट्राइक बोलते हैं। प्रिमिटिव स्ट्राइक बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि यही प्रिमिटिव स्ट्राइक जो होती है आगे जाकर स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पर थ्री जर्म लेयर फॉर्म हो जाती है, जो मैंने आपको कल बोला था लास्ट वीडियो में कि मैं थ्री जर्म लेयर के बारे में बताऊँगी आपको। तो यहाँ पर जो ये बाई ब्लास्टोमियर की जो डिस्क होती हैं, बायलेमिनार जो डिस्क होती हैं, तो बायलेमिनार डिस्क जो होती है, जो सेल्स यहाँ पर जो डिवाइड होती हैं वो थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं, जिसको एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म बोलते हैं। यही थ्री जर्म लेयर्स होती हैं और यही थ्री जर्म लेयर्स आगे जाकर क्या फॉर्म करती हैं, आगे जाकर जो एम्ब्रियो है उसके ऑर्गन्स को फॉर्म करती है। ये डेड वेल की बात होती है, जिनमें और ज़्यादा डिफरेंशिएशन होता है जिससे कि ये लेयर्स जो होती हैं अलग अलग हो जाती हैं। तो अब हम बात करते हैं डे 18 की। 18 डे ये जो दोनों डिस्क होती है ये आपको दिख रही होगी, ये दोनों डिस्क एक पार्ट पर अटैच हो जाती है जिसको अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। और ये वाला जो पोर्शन होता है इसको बोला जाता है ट्रोपो एक्टोडर्म, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। ट्रोपो एक्टोडर्म की जो सेल्स होती ये इसका क्या यूज़ होता है, इसका टोटली यूज़ होता है, ये अटैचमेंट होती है कहाँ पर, यूटेराइन वॉल से। तो यहाँ पर दो सेक फॉर्म हो जाते हैं जिसको यॉर्क सेक और दूसरा होता है एमनियोटिक सेक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यॉर्क सेक और एमनियोटिक सेक के थ्रू ही जो एम्ब्रियो होता है वो डेवलप होता है, उसके ऑर्गन्स इन्हीं से ही फॉर्म होते हैं। तो इसके अंदर ही चाइल्ड जो होता है या एम्ब्रियो जो होता है वो बंद होता है और बाहर बन जाती है एक्सोसिलोम। ये वाला जो पोर्शन होता है ये पूरा एक्सोसिलोम का होता है और ये जो होते हैं कोरियोन होते हैं। कोरियोन का मतलब क्या होता है, कोरियोन जो होता है जो प्लेसेंटा होता है उसी के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है उसको कोरियोन बोलते हैं। तो प्लेसेंटा के अंदर ही ये एम्ब्रियो बंद होता है। तो प्लेसेंटा क्या करता है, प्लेसेंटा जो होता है मदर से आने वाले फूड और ब्लड, वाटर, ऑक्सीजन एम्ब्रियो तक सप्लाई करता है। और ये जो होता है ये जो एक तरह से थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर होती है ये एम्ब्रियो को अटैच होने में हेल्प करते हैं। देन नेक्स्ट हम देख लेते हैं आफ्टर एम्ब्रियो फॉर्मेशन नेक्स्ट जो होता है उसमें ये वाला हम देखते हैं डे 24। तो डे 24 में एम्ब्रियो जो होता है वो क्लियर दिखने लगता है, अम्बिलिकल कॉर्ड फॉर्म हो जाती है। अम्बिलिकल कॉर्ड को मैं हाईलाइट कर देती हूँ आपको। ये वाला जो पोर्शन होता है ये अम्बिलिकल कॉर्ड का होता है। इसका क्या काम होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है वो एक तरह से देखा जाए तो जो एम्ब्रियो होता है उस एम्ब्रियो के नाभि से या अम्बिलिकल पोर्शन से अटैच होती है और एक कॉर्ड के फॉर्म में होती है, जो कि जो एक तरह से देखा जाए तो जो एम्ब्रियो होता है उसको फूड, वाटर, ऑक्सीजन सप्लाई करती है। तो ये सब और ब्लड का सप्लाई भी करती है। तो ये जब सभी चीज़ें जो होती है अम्बिलिकल कॉर्ड से एम्ब्रियो तक पहुंचती है और जब चाइल्ड बर्थ हो जाता है तो उस समय इसको कट कर दिया जाता है। तो ये 23 डेज तक का जो एम्ब्रियो है, तो एम्ब्रियो यहाँ पर फॉर्म हो गया है। अब क्या होगा, अब जो एम्ब्रियो होता है उस एम्ब्रियो में दूसरे जो ऑर्गन्स होते हैं वो फॉर्म होने लगेंगे, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि जो एम्ब्रियो होता है एम्ब्रियो में फिर डेवलपमेंट कैसे होता है। तो ये पूरी जो प्रोसेस होती है ये पूरी 40 वीक्स की होती है, 9 मंथ की ये पूरी प्रोसेस होती है, जिसमें कंप्लीट। अब इसके बाद तो जो चाइल्ड है वो कंप्लीट बन जाता है, पर उसमें क्या होता है, सिर्फ उसका डेवलपमेंट, उसकी ग्रोथ होती है। तो यहाँ तक एम्ब्रियो कंप्लीट फॉर्म हो जाता है, यही सेल का जो मास होता है इसको एम्ब्रियो बोलते हैं। तो ये वीडियो मैं यहाँ पर ख़त्म कर रही हूँ। थैंक यू।